पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार को कोरोना काल का रहा सबसे बुरा दिन, 3 मरीजों की हुई मौत, 42 नए पॉजिटिव मरीज मिले। कोरोना मृतक के शव को लावारिस छोड़ गए थे कर्मचारी, मेडिकल एसोसिएशन ने पैसे देकर करवाया अंतिम संस्कार। पुलिस ने पकड़ा भारी मात्रा में गांजा, बुधवार को खुलासा करने की दी जानकारी। जिलेवासियों को कोरोना बचाव का संदेश देने वाली जिला पंचायत की बैठक में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना की वजह से मरने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आज कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक 3 मरीजों की मौत हुई है, लेकिन 1 मरीज की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं की गई है। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान CMHO मनोज पांडे ने बताया कि कोरोना की वजह से जिन 2 मरीजों की मौत हुई है उनमें से एक व्यक्ति लालबर्रा क्षेत्र का है। वहीं छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज ले जाते वक्त इन दोनों मरीजों की मौत हो चुकी थी। हाँ, 2 मरीज को जो 3-4 दिन से सीरियस थे काफी, तो उनको इलाज किया गया था यहाँ पर और उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गया था। लगभग 1 का 80 हो गया था और 1 का लगभग 89 हो गया था, तो वो इनको और आगे इलाज के लिए वहाँ पर डीन मेडिकल कॉलेज से बात करके रिफ़र किया गया था, लेकिन उनके रास्ते में मृत्यु हो गई। सर, इनको छिंदवाड़ा भेजा जा रहा है जी, तो ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं जानकारी? एक तो लालबर्रा भैया टीकूर के हैं और एक का मतलब मेरे को अभी एकदम मालूम था, लेकिन अभी एकदम नहीं बता पा। 21 सितंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 42 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 809 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 332 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 467 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 7 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 21 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों में एक मरीज डोंगरमाली का 30 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 8 बैहर के 3 मरीज, वार्ड नंबर 4 बैहर के 66 वर्षीय पुरुष, किरनापुर का 26 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 32 बालाघाट का 48 वर्षीय पुरुष, अमई खैरलांजी की 40 वर्षीय महिला, बैहर का 23 वर्षीय युवक, भीमजोरी का 49 वर्षीय पुरुष, बिठली मानेगांव का 38 वर्षीय पुरुष, मुनगुजरी का 57 वर्षीय पुरुष, 39 वर्षीय महिला, रामगढ़ी की 36 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा तहसील के ग्राम जाम के 50 वर्षीय व 65 वर्षीय पुरुष, कटंगी वार्ड नंबर 3 की 64, 65 और 60 वर्षीय 3 महिलाएं, पूढ़ी बालाघाट के 59 वर्षीय पुरुष के और 29 वर्षीय युवती, लांजी के 32 वर्षीय पुरुष, दीनदयालपुरम बालाघाट का 57 वर्षीय पुरुष, मेहंदीवाड़ा का 55 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 11 वारासिवनी की 40 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 14 बैहर का 52 वर्षीय पुरुष, बिजौरा बैहर का 50 वर्षीय पुरुष, बिरसा का 32 वर्षीय पुरुष, कैरलांजी की 36 वर्षीय महिला, लालबर्रा तहसील के ग्राम मोहगांव की 47 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 11 मुंडीवाड़ा के 35 व 55 वर्षीय महिलाएं, भरवेली का 24 वर्षीय युवक, मोतीनगर बालाघाट का 28 वर्षीय युवक, कोसमी बालाघाट की 79 वर्षीय महिला और 53 वर्षीय पुरुष, बैहर रोड बालाघाट की 65 वर्षीय महिला और लालबर्रा तहसील के ग्राम कटंगझरी की 66 वर्षीय पुरुष शामिल हैं। 22 सितंबर को लांजी निवासी एक कोविड पॉजिटिव 65 वर्षीय मरीज की मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार स्थानीय मोक्षधाम में किया गया, लेकिन इस दौरान नगरपालिका और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का आलम उजागर हुई।
जिसे देखकर यहां आने वाले लोगों में भय व्याप्त हो गया। भला हो किसी अन्य व्यक्ति के अंतिम संस्कार में मोक्षधाम पहुंचे मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष का, जिन्होंने स्वयं पैसे देकर कोविड पॉजिटिव मरीज के शव का अंतिम संस्कार करवाया। यह खबर सुनकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि कैसे प्रशासन इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है। जो हमने देखा वह आपको नहीं दिखा सकते, केवल इस खबर के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसे 22 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे एक कोरोना मरीज की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए नगर पालिका के 2 कर्मचारी यहाँ उसे लेकर आते हैं, लकड़ियाँ बिछाते हैं, लकड़ियों के बीच उसे दबा देते हैं, आग लगा देते हैं और छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन लकड़ी गीली होने की वजह से उसमें आग नहीं लग पाती और लकड़ी जैसे के वैसे पड़ी रहती है। यह देखकर लोग भयभीत हो गए कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। कैसे जानकारी लगी भैया कि यहाँ कोरोना? हमारे एक मित्र सवेरे को एक टंटू जैन एक्सपायर हो गया था गोंदिया में, जो उसके अस्थि कलश विसर्जन करने आए थे, तो उन्होंने बताया कि सवेरे 7 बजे से बॉडी यहाँ पे है करके, और यहाँ जब आके देखे तो बॉडी बिल्कुल जल रही थी, मतलब वो वैसी वैसी सजा के रख दी बॉडी को। फिर 2 व्यक्ति आए, थोड़ा मटेरियल डाले, डाल के चले गए। तो ये जो इससे कोरोना ज़्यादा फैलने का डर है, इसकी व्यवस्था जो है दूसरी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बालाघाट लोकल के लोग आते हैं, और कोविड की अलग व्यवस्था होना चाहिए इसमें। हम तो आए उसकी बॉडी के साथ, तो ये जल ही रहे थे, आचक करीब में मट्टी तेल डाले, गीली लकड़ी से जला रहे हैं, तो हो नहीं रहा है, जल नहीं रहा है। हम तो 2 घंटे से जैसे भैया नॉर्मल बॉडी भी जलाते हैं और कोरोना बॉडी, तो क्या होना चाहिए, क्या अलग अलग बॉडी? कोरोना के जो पेशेंट डाले हैं उनके अलग कहीं इंतजाम होना चाहिए, यहाँ सब साथ में जला रहे हैं, सब साथ में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से कोरोना आने का। दूसरी बात फिर ये बॉडी जली भी नहीं है, ऐसे में संक्रमण को क्या खतरा बनता है ना? हम जैसे दूर ही बैठे हैं अभी, तो जो सामने जिसको जानकारी नहीं है, जो पास से गुजरे उनको तो हो सकता है ना। कैसे पता चला आपको कोरोना बॉडी है? 2 ही लोग जला रहे थे, मट्टी तेल से जला रहे थे, उनसे पूछे अपन ने, हाँ, तो बोले हाँ, बोले कोरोना तो है, बोले तो अभी मट्टी तेल लेने गए हैं, फिर वो अभी तो ऐसे ही पड़ी है बॉडी। किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए सर? यही है कि थोड़ा सिस्टमेटिक होना चाहिए, लकड़ी वकड़ी जैसे कुछ भी जला दिए। इस बात की जानकारी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सोनी को लगी, जिन्होंने तत्काल नगर पालिका के कर्मचारियों को पैसे दिए और शव को जलाने की पूरी व्यवस्था करवाई, जिससे संक्रमण और अधिक ना बढ़ सके। यहाँ ये बॉडी बोलते सुबह 7 या 7:30 बजे से आके रखी, सच के रखी है, और इसको पहले अभी मैंने देखा कुछ ने तेल डाल के चले गए, फिर वो बुझ गई, जबकि कोविड वाला आदमी घर के सामने पूरा बंद करते हैं, और यहाँ पर इसी जगह पर इसको जला रहे हैं। इसके जलाने की व्यवस्था अलग रहना चाहिए, घर के लोग तो आते नहीं, बाहर नगर पालिका के लोगों ने जलाया है, थोड़ा सा मट्टी तेल डाले, वो भी नहीं जली, दूसरी बॉडी वास में जल ही रही है, दूसरी बॉडी सब लोग आ रहे हैं और बॉडी में आ रहे हैं। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके? ये मैंने जो सुना हूँ कि जहाँ जैसे मैं अभी बीच में राजनांदगांव गाँव एक फ्यूनरल में गया था, कि वहाँ पर जितने कोविड की बॉडी आती है वो अलग जलती है। अन्य शव के अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों के साथ साथ स्थानीय जन यही मांग करते हैं कि कोविड पेशेंट के अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन अन्य स्थान पर व्यवस्था करे, जिससे यहां पहुंचने वाले लोगों में डर के साथ साथ संक्रमण फैलने का खतरा ना रहे। व्यवस्था ये होनी चाहिए कि इनके लिए प्रथा की, जैसे
इनका कोविड 19 सेक्शन अलग बना दिए हैं, अस्पताल बना दिए हैं। वैसे इनके दाह संस्कार की व्यवस्था अलग सुनसान जगह, अभी ये बॉडी जली नहीं है। वायरस तो ऐसा है, हवा में सब आजू बाजू खड़े हैं। वायरस जब बॉडी जल जाती बात अलग है, या जलती रहती, वो वायरस तो हवा में उड़ते हैं। इसके वो अलग से अलग देख कर ही हमको यकीन हो गया था कि ये कोरोना वाली बॉडी है। अब जैसे जो नए लोग हैं उनको पता नहीं होता उसमें क्या क्या वो बेचारे करीब से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। हमारे भी बच्चे राख फेंकने, हमारे घर की डेड बॉडी कल परसों जली है, उसकी राख विसर्जित करने हम आए। बच्चे किनारे से गुजर रहे थे, हमने उनको मना करा कि फेरा लगा कि जाओ, हवा चल रही है, वायरस। अच्छा बताइए किसकी गलती मानते हैं इसमें? प्रशासन की गलती है। और क्या, प्रशासन अपने कर्मचारियों को तो टाइट रखे, निर्देश दे। यदि वो जो कर्मचारी जो है चलो कम अकल होंगे या जैसे भी, या ड्यूटी को लापरवाही से निभा रहे हैं, लेकिन इस पर निगरानी या एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा प्रेशर तो सख्त निर्देश हो कि आपको वहाँ पर जब तक बॉडी ना जल जाए हिलना नहीं चाहिए। लकड़ी निश्चित ही प्रशासन की लापरवाही शहर वासियों के लिए किसी परेशानी का कारण न बन जाए, इस बात को देखते हुए अब भी बहुत अधिक मंथन करने की जरूरत है कि कहां उनसे लापरवाही हो रही है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। हम ये जागपुर घाट मोक्षधाम के सामने, हमारा ये आवास टोली के नाम से जाना जाता है। लगभग कितने लोगों का परिवार रहता है यहाँ पे? यहाँ पर 70 मकान है। सत्तर मकान में सभी लोग इधर से पानी भरते हैं, और पानी के लिए आना जाना, फिर गार्डन में गाड़ी, डॉक्टर साहब वगैरह सब काम करते हैं। बाकी डेड बॉडी आती है, नए गांव से आती है, इधर से पूरे शहर की बॉडी आती है। कि यहाँ पर डेड बॉडी नहीं जलना चाहिए, कोरोना की डेड बॉडी उधर नाले में जलना चाहिए, कटंग नाला में, या फिर उधर सामने वाले घाट में जलना चाहिए। यहाँ पर परिवार के लोग सब, कोई पानी के छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कोई डेड बॉडी लेकर के, काफ़ी 10-15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, कोई 50 लोग आता है डेड बॉडी लेकर के, तो उन लोग की परेशानी होती है। कोई राख ठंडी करने के लिए आते हैं, कोई अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं, कोई मंडला के नाम से यहाँ पर आते जाते हैं, तो यहाँ काफी लोगों की भीड़ रहती है, इसलिए हमने मना भी किया। बात करो, हमने अभी जैसे कि एक बॉडी को लाए हैं, वो पूरी तरह जली भी नहीं है और लोग चले गए, हाँ। इससे क्या खतरा रहता? खतरा ये हो सकता है कि देखो कोरोना का पेशेंट है, उसके कीटाणु इधर उधर उड़ करके आ सकते हैं, जा सकते हैं, लोगों को परेशानी हो सकती है, कोरोना के से पीड़ित हो सकते हैं। यहाँ पर के जो गरीब परिवार लोग, तो मकान छोड़ के जाएंगे कहाँ? और दूसरी बात है कि हॉस्पिटल भी जाएंगे, किसी को फीवर भी हो तो बुखार हो गया थोड़ा सा तो कोरोना हो गया करके बता देते हैं। और इसमें दहशत में लोग हैं, हमारे यहाँ पर काफी लोग ऐसे डर से सवेरे से कोई उधर बाहर जा नहीं रहा है, पानी नहीं भरे हैं लोगों ने अभी तक के। अब पानी के लिए तो आप वहीं जाते हैं? पानी के लिए वहीं जाते हैं हम लोग, कपड़े धुलने, पानी के लिए। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? मैं प्रशासन से मांग करूंगी कि डेड बॉडी यहाँ न जले, कटंग नाला में जला, जहाँ पर लोगों की भीड़ भड़ाका न हो। जिले के भीतर कोरोना बेकाबू हो चुका है, इस बात के प्रमाण यह है कि डेडिकेटेड कोविड सेंटर पूरी तरह से हाउसफुल हो चुका है। अधिकांश मरीजों को घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है, जिस कारण उस मरीज के संपर्क में आने वाले परिजन बड़ी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। यह आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि प्रतिदिन 35 से 40 लोग पॉजिटिव मरीजों की सूची में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तो हमने केवल जिले के भीतर कोरोना वायरस की स्थिति बताई है, लेकिन भयानक रूप इसका यह है कि घर पर आइसोलेट हो रहे लोगों की लगातार तबीयत खराब हो रही है। बालाघाट के हालात किसी से छिपी नहीं है, बीते कुछ दिनों में आधा दर्जन से अधिक चिकित्सक पॉजिटिव की श्रेणी में आ चुके हैं, इसलिए लोग बेहतर इलाज के लिए गोंदिया तक दौड़ लगा रहे हैं, जहाँ पर अस्पतालों की हालत इतने अधिक खराब है कि लाख रुपया देने के बाद भी वेटिंग लग रही है। मतलब साफ है कि आज लाख रुपया दे दो तो 2 या 3 दिन बाद आपको एक बेड बमुश्किल उपलब्ध हो पाएगा। जिस तरह संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की हालात खराब हो रहे हैं, उसी तरह मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। 21 सितंबर को जिले के लांजी तहसील मुख्यालय, लालबरा तहसील के बल्लारपुर के एक शिक्षक और कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से कोरोना का इलाज कर लौटे अमेरा निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जिलेवासी इस सदमे से अभी उबरे ही नहीं थे कि सुबह सुबह ही खबर आ गई कि लांजी निवासी एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को पॉजिटिव होने के बाद इलाज के लिए कोविड सेंटर लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। अब तक कोरोना वायरस स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन काफी मुस्तैद दिखाई देता था, कुछ दिन से वह सुस्त दिखाई दे रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हालात अब इतने अधिक बेकाबू हो गए हैं कि इन दोनों जिम्मेदार विभागों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसकी वानगी यह है कि होम आइसोलेट लोगों की तबीयत खराब होने पर उनके परिजन ही उन्हें अपने निजी वाहन में लेकर अस्पताल या गोंदिया ले जा रहे हैं।
जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिजनों के साथ साथ कितने लोगों पर खतरा बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार कोरोना की यही रफ्तार जिले के भीतर बनी रही तो 5 अक्टूबर तक इसका आंकड़ा पॉजिटिव मरीजों के रूप में 1200 तक पहुंच जाएगा और यदि संक्रमण की रफ्तार यही रही तो अक्टूबर माह तक 3,000 से 5,000 तक हो जाएगा। तब हालात क्या होंगे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, इसलिए बीते 5 महीनों से पद्मेश 24/7 हमारे हर एक दर्शक से यही अपील करता है कि जब तक कोरोना वायरस का टीका नहीं आ जाता तब तक आप सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। घर से बाहर जब निकले जब बहुत अधिक जरूरी हो, भीड़ वाले स्थान पर न जाए, मुंह पर मास्क लगाए, बार बार हाथ साफ करें और सुरक्षित रहे। तबीयत खराब होने पर, बुखार रहने पर जल्द से जल्द जांच करवाएं, वरना आप स्वयं और अपने परिजनों की जान जोखिम में डाल सकते हैं। वारासिवनी में कोरोना कोविड 19 से संक्रमित 2 शासकीय कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद तहसील कार्यालय के दंडिक शाखा के प्रशासन ने बंद कर दिया। बाकी पॉजिटिव आए लोगों के साथ वालों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और ग्रामीणों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे दी गई है कि सभी अपने घर में रहेंगे, कोई भी किसी भी कार्य के लिए बाहर नहीं जाएगा और इनके संपर्क में आए लोगों को उनके घरों में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस दौरान पॉजिटिव आए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और उनके एरिया को पूरी तरह सील कर दिया गया है ताकि उक्त संक्रमण यदि संबंधित व्यक्ति को फैलता है तो वह उन लोगों तक ही सीमित रहे और उस एरिया पर नजर रखने के लिए पंचायत के जवाबदार कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। पद्मेश चर्चा में सिविल अस्पताल BMO डॉक्टर रविंद्र ताथौर ने बताया कि वारासिवनी अस्पताल के द्वारा वर्तमान तक करीब 3,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है जिसमें 100 लोग वर्तमान तक पॉजिटिव आए हैं, जिसके साथ वारासिवनी में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है जिसमें से वारासिवनी शहर के 38 लोग और 71 लोग ग्रामीण क्षेत्र के, जिसमें सभी स्वस्थ हैं और क्षेत्र की रिकवरी रेट 100% है। देखिए आज हमने 9 टेस्ट किए यहाँ पर रैपिड एंटीजन से और जिसमें से 4 पॉजिटिव आए हैं। ये 4 में से 2 लोग मेहंदीवाड़ा के हैं, ये पति पत्नी है और एक वारासिवनी वार्ड नंबर 3 का है जी। और एक अपने ग्रामीण क्षेत्र से नरोड़ी के है जी। इस प्रकार आज 4 लोग पॉजिटिव आए हैं और कल भी 3 लोग पॉजिटिव, 4 लोग पॉजिटिव आए थे जी। जिसमें से एक रामपाली के थे और एक मेहंदीवाड़ा के और एक वारासिवनी का। अभी तक अपने यहाँ वारासिवनी विकासखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिला के 109 पॉजिटिव हो चुके हैं और जिसमें से वारासिवनी शहर के 38 केस हैं और बाकी ग्रामीण क्षेत्र। अभी जितने गए हैं सब सुधर के आए हैं। अभी कुछ मरीज जो अभी पिछले एक हफ्ते के अंदर जिनको हमने बालाघाट भेजा था वो अभी बस भर्ती है या होम आइसोलेशन में है। खैरगंज थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत भौरगढ़ निवासी खुशी राम लेल्हारे अपने मां के साथ 22 सितंबर को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 12 दिन से लापता भाई को मारपीट करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही कर भाई राम किशोर लेल्हारे को वापस लाने की मांग की है। साथ ही खैरलांजी पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। पद्मेश चर्चा में शिकायतकर्ता खुशी राम लेल्हारे ने बताया कि 8 सितंबर को मेरे छोटे भाई राम किशोर का उसकी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पड़ोस के 5 व्यक्तियों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद पुनः 10 सितंबर को रात में उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कर नाले की ओर खींचते हुए लेकर गए, जिसके बाद से वह घर नहीं आया, जिससे हमें संदेह हो रहा है कि उन व्यक्तियों के द्वारा उसे मार दिया गया होगा। मेरे भाई को घर से निकाल के मारा गया है, जिसमें 5 लोगों का हाथ है और जिस दिन से मारे उस दिन से मेरा भाई घर नहीं आया है। खींचते हुए ले गए तो मेरी मांग है कि मेरा भाई है तो जिस जैसी भी स्थिति में हो वैसा है तो मुझे मिले। ये गांव के मोहल्ले की है और तो इसकी शिकायत खैलांजी थाने में नहीं किया आपने? खैलांजी थाने में रिपोर्ट जो डाले थे हमने, मारपीट की जो घर से खींच के मारपीट की जो रिपोर्ट डाले थे खैलांजी थाने से, एक माने पुलिस अधिकारी के द्वारा गुमशुदा रिपोर्ट बनाई गई है। हमारी मांग यही है कि जो मारपीट की जो रिपोर्ट हमारी लिखाई थी उस पे एक्शन लिया जाए, इनको सजा मिलना चाहिए। जिला अस्पताल में पदस्थ एक स्टाफ नर्स की रिपोर्ट 22 सितंबर को पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से उसे घर पर आइसोलेटेड करते हुए परिजनों को होम क्वारंटाइन किया गया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि स्टाफ नर्स बीते 5 दिनों से तबियत खराब होने की वजह से अस्पताल नहीं आ रही थी, इसे देखते हुए उसके सैंपल टेस्ट करवाए गए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
हालांकि पूर्व की तरह जिला अस्पताल को सील नहीं किया गया है और ना ही सैनिटाइज किया गया है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि अब कोरोना के प्रति स्वास्थ्य विभाग कितना सजग और कितना लापरवाह हो चुका है। पूरे देश के साथ साथ बालाघाट जिले में भी कोरोना का कहर किस कदर हावी हो रहा है यह हर कोई जान रहा है। सरकारी महकमा बार बार जनता से अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, बावजूद इसके खुद इस बात का कितना पालन करते हैं इस बात की वानगी जिला पंचायत भवन के सभागार में दिखाई देती है। जब जिला पंचायत के सीईओ उमा माहेश्वरी 22 सितंबर को पूरा दिन दो शिफ्ट में पंचायतों के सचिव से लेकर इंजीनियर तक की बैठक बुलाती है। यह हालात उस समय हुए जब बीते दिनों ही किरनापुर जनपद पंचायत के पदस्थ एक इंजीनियर पॉजिटिव पाए जाते हैं। यही नहीं, इसके पहले एक सचिव भी पॉजिटिव पाए गए हैं। चलिए आपको एक बार फिर जिला पंचायत सभागार के भीतर के हालात दिखाते हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति भी संक्रमण की जद में आ चुका हो तो फिर इस हॉल के भीतर बैठे इतने अधिक सरकारी अमले की क्या स्थिति हो सकती है। इन दिनों पूरे जिले में कोरोना वायरस के लोगों में डर और दहशत बनी हुई है। हर कोई यही सलाह देता है कि जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, बावजूद इसके जिला पंचायत भवन में रात 7:30 बजे तक यह बैठक ऐसी चलती है जिस कारण दूर दराज से पहुंचे पंचायत सचिव से लेकर सभी कर्मचारी को अपने गृह निवास तक जाने में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैठक पहुंचे कर्मचारियों ने नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर बताया कि यह पहला अवसर नहीं है जब कोरोना काल में इस तरह की लापरवाही और बैठक का आयोजन किया गया है। इसके पहले भी इस तरह की बैठक आयोजित की गई है, यहां तक कि प्रत्येक शुक्रवार को इससे अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की जाती है। इस दौरान सभा हॉल में किसी अन्य व्यक्ति को आने नहीं दिया जाता, जिस कारण इस बात की जानकारी बाहर तक नहीं जा पाती। इस विषय पर जब हमने जिला पंचायत की सीईओ उमा माहेश्वरी से चर्चा करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। जिला पंचायत के कर्मचारियों ने बताया कि मैडम रात 7 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय चली गई थी, लेकिन मीटिंग 7:30 तक चलती रही। कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर में भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। वहीं गांजे का व्यापार करने के आरोप में 40 वर्षीय फिरोज को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर कोतवाली पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फिरोज काफी लंबे समय से गांजा का व्यापार कर रहा था, जिसकी सूचना किसी ने कोतवाली थाने में दे दी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए फिरोज के घर से लगभग 17 किलो गांजे की खेप बरामद की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस द्वारा बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किए जाने की बात कही गई है। वहीं पुलिस ने अब तक यह कन्फर्म नहीं किया है कि किसके घर से और कहां से कितना किलो गांजा जब्त किया गया है और इस मामले में किस व्यक्ति के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। ये तमाम बातों का खुलासा बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर किए जाने की बात पुलिस द्वारा कही जा रही है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।